हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन पर और अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अब आपने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया है, जो सही लगे वो आपके लिए करेंगे और अब आप अपनी तरफ से ना कोई प्रयास करेंगे ना कोई फिक्र करना चाहते। बहुत चिंता में रहते हैं आप इस रिश्ते की वजह से, इस इंसान की वजह से, और क्या होगा कैसे होगा यही आप अभी तक सोचते रहे हैं। लेकिन अब आपने फैसला किया कि सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और ऐसा है कि अब अपने लिए जीना है, दूसरों के लिए बहुत कर लिया और बदले में धोखा भी मिला, तो इसी वजह से अब आपने खुद को बदलने का प्रयास किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप अपने पर्सन को याद नहीं करते, कि अब आपको ऐसा है कि सब कुछ आप भूल गए। आपको सब कुछ याद है, पास्ट में जो समय बिताया उसको भी याद करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। आपकी भी इच्छा हो रही है कि वो आपसे बात करें किसी तरह से, ऐसा है कि एक बार आप उनको देख भी लें, ऐसा भी आप चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर वही है कि आपने सोच भी लिया कि बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी आप कुछ भी ठीक नहीं कर पाए, तो अब आप अपनी तरफ से ना कोई कोशिश करना चाहते, ना इस विषय में सोचना चाहते, ना ही उस इंसान को अब याद करना चाहते। लेकिन वही होता है कि आप उनको भूल भी नहीं पा रहे हैं, पर आपने अब सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ा है, डिवाइन पर सरेंडर आपने किया है। देखिए, अब आप वही है कि इंतज़ार करना नहीं चाहते। आप में नाराज़गी भी है अपने पार्टनर को लेकर भी, और भगवान से भी आप नाराज़ दिखाई देते हैं कि देखिए आपको यही लगता है कि सबकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, आपने हर किसी के लिए अच्छा किया पर बदले में आपको कुछ भी आज तक नहीं मिला, और उस इंसान ने भी आपके साथ वही किया कि वो भी धोखा करके चले गए जबकि आप उनका भला करते रहे। तो इसलिए आप भगवान से भी नाराज़ दिखाई देते हैं और इसीलिए अब आपने सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दिया। आपने सोच लिया कि आपके लाख प्रयास करने पर भी कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है, तो अब आपको कुछ करना ही नहीं है और आप अब इंतज़ार भी नहीं करना चाहते अपने पर्सन का। अब बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद के लिए जीना चाहते हैं, खुद को खुश रखना चाहते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा थक गए आप भी, ऐसा है कि कोशिश करते करते कुछ आपने नहीं किया, ऐसा तो नहीं है, बहुत कुछ आपने किया। लेकिन वही है कि बात यही थी कि सही समय नहीं था, या देखिए और भी कोई कारण रहा होगा कि एक समय भी होता है कि इंसान को अपना कर्मा फेस करना पड़ता है, क्योंकि हर कोई हमेशा अच्छा ही करे ज़रूरी नहीं है। पास में हमने भी किसी के साथ गलत किया होगा तो वो हमको उसकी सजा तो भुगतनी पड़ती है। तो एक टाइम आता है कि जब हम अपना कर्मा फेस करते हैं तब भी हमारे लाख कोशिश करने के बावजूद भी ऐसा है कि परिवर्तन नहीं आ पाता। तो वैसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ, एक टाइम पूरा आप ऐसा रहा कि परेशान ही रहे हैं। अब आपने समझ लिया कि अब खुद से कोई प्रयास नहीं करना और अपने ऊपर अब ऐसा है कि कोई भी चीज़ को लेना नहीं है कि मैं सब कुछ कर लूँगा या कर लूँगी। अब सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ना है, उनको जो सही लगेगा वो देंगे। और अब ऐसा है कि खुद को खुश रखना है, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ना है, और ऐसा है कि अब अपने आप को आप काम में व्यस्त रखना चाहते हैं ताकि आपका ध्यान उस इंसान की तरफ ना जाए, क्योंकि जब भी आप उनको सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा रोते हैं, परेशान होते हैं और ऐसा है कि किसी भी काम में फिर आपका मन नहीं लग पाता। तो इन सब से ध्यान हटाने के लिए ही अब आप काम भी अपना बढ़ाते जा रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक बिजी रहें और आपका ध्यान और कहीं ना जाए। आप हर्ट भी हो रहे हैं गाइस, लेकिन आप अपनी बात किसी को बताते भी नहीं, अपने ही मन में सारी बातें रखते हैं। खुश हैं तो भी, दुखी हैं तो भी, किसी को आप कुछ बताना नहीं चाहते, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करना चाहते। और देखिए, आप दूसरों को देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा देखिए दुखी भी होते हैं कि आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स वगैरह हैं जो अपने पार्टनर के साथ अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उनके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है जबकि उनका बिल्कुल भी प्रयास नहीं रहता उस रिश्ते में। लेकिन आपने सब कुछ करके भी ऐसा है कि उस इंसान को खो दिया, ऐसा आपको लगता है। और सब कुछ देखते हुए अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपने सोच लिया कि ठीक है, यही आपका नसीब था, इसीलिए आपके साथ ऐसा सब कुछ हुआ। और अब आप ऐसा है कि किसी को ना दोष देना चाहते, ना किसी की गलती गिनवाना चाहते, बस आपने समझ लिया कि जो आपकी किस्मत में लिखा था वो आपके साथ हुआ है और आगे भी जो लिखा होगा वही आपको मिलेगा, ये आपने अब सोच लिया है। इसलिए अब ज़्यादा आप परेशान रहना नहीं चाहते और किसी भी बारे में ज़्यादा सोच विचार करना नहीं चाहते, जो हो गया सो हो गया, ये आपने मान लिया है। और अब जब आपने सब कुछ छोड़ दिया, सोच लिया कि ठीक है जो है आपकी किस्मत है, जो मिलना था मिला,
और जो आगे मिलने वाला होगा वो भी मिलेगा। तो अब आप जब सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, भगवान पर सब आपने डाल दिया, अब तो अब ऐसा है कि आपके पर्सन में देखिए परिवर्तन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आप सोच रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा। तो उनका ध्यान देखिए, अब जब आपने सब कुछ छोड़ा है ऊपर वाले पर, तो अब आपके पर्सन में कैसे परिवर्तन आ रहा है देखिए। अब उनका ध्यान आपकी तरफ है, कल तक आपसे दूर भाग रहे थे, दूसरों की तरफ इनका ध्यान था, दूसरों का टेंशन दे रहे थे और आपसे किसी तरह पीछा छुड़ाना चाहते थे। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपकी तरफ उनका फोकस है। तो यहाँ पर यही बात है, जब तक आप किसी को चेस करते रहेंगे अपना काम धाम छोड़कर, तो कभी भी आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा सामने वाले में, वो उसी तरह आपसे दूर भागता रहेगा। अब जब आपने खुद को बदला, सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़कर आगे बढ़ने का जो आप प्रयास कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो यहाँ पर अब आपके पर्सन में परिवर्तन आ रहा है। अब उनका फोकस कहाँ है, आपकी तरफ है। तो आगे देख लेते हैं और आपके पर्सन क्या करने वाले हैं आपके लिए। अब यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जितना प्यार आपके दिल में है आपके पर्सन के लिए, प्यार तो अभी ख़त्म हुआ नहीं, और वैसा ही आपके पर्सन के दिल में भी है कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा प्यार रखते हैं। लेकिन देखिए बात यहाँ पर ऐसी है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले हैं। आपको जो प्यार मिलना है, अटेंशन मिलना है, वो उसी इंसान से मिलना है, जबकि आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी कोई है। अब यहाँ थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो, आपको पता होगा। तो यहाँ पर इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई है जो इनको, आप अगर इनसे दूर भी रहें तो इनको प्यार मिल सकता है, लेकिन आपके साथ तो ऐसा नहीं है, आप इन्हीं के भरोसे हैं, जो भी हैं आपके लिए यही सब कुछ हैं। आपकी एनर्जी ऐसा है गाइस कि आपने खुद को आइसोलेट कर रखा है, अभी आप ज़्यादा लोगों की भीड़ में रहना नहीं चाहते, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, लोगों से मिलना जुलना नहीं है, अकेले रहना है और ऊपर वाले पर सब कुछ छोड़कर। ऐसा है कि अभी पूजा पाठ में भी आप अपना मन लगा रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह बहुत ज़्यादा करने लगे हैं ऐसा दिखाई देता है, और आपका ध्यान अब भगवान पर है, क्योंकि अब इंसानों पर से तो आपका भरोसा उठ चुका है, इसलिए अब आप किसी की तरफ ध्यान देना नहीं चाह रहे हैं, ना किसी नए इंसान की तरफ, ना ही वो आपके जो पर्सन आपको छोड़कर गए हैं उनकी तरफ। बस आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए और आप अकेले रहना चाहते हैं। अभी भी ऐसा है गाइस कि आप नॉर्मल प्रिटेंड करते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आप टूट चुके हैं, आप थक गए प्रयास करते करते, थक गए अपने पर्सन को समझाते समझाते, और लाख कोशिश करके भी कुछ सही नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, और इसीलिए अब आप किसी से संपर्क रखना ही नहीं चाहते, आप अकेले रहना ही पसंद कर रहे हैं, अपने आप को काम में व्यस्त रखना पसंद कर रहे हैं, लोगों की भीड़ भाड़ आपको नहीं चाहिए अब। और ऐसा है गाइस कि अब आपका भरोसा हर किसी पर से, और देखिए ये टैरो रीडिंग वगैरह में भी आप आते हैं तो आपको यही है कि बस तसल्ली के लिए, बाकी इस पर भी अब आपको भरोसा नहीं है, आपको पहली बात भगवान पर भी भरोसा नहीं है, ना किसी इंसान पर, ना भगवान पर, ना ये टैरो रीडिंग वगैरह, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, किसी पर आपको अब भरोसा नहीं रहा है। इतना आप टूट चुके हैं, रो रो कर आप ऐसे हो गए हैं कि अब आपको लगता है कि सब फालतू है, बस सब कहने को ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ट्विन फ्लेम नहीं होता, कोई सोलमेट नहीं होता, इतना करने के बावजूद जो इंसान अपना नहीं हुआ तो प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं दुनिया में। अब आपके दिमाग में ये सब चलता है, क्योंकि वही बात है, आपको धोखा मिला है, अरे इतना अच्छा करने के बावजूद भी अपने पर्सन के साथ, और बदले में उस इंसान ने आपको क्या दिया है, दर्द देकर ही गए हैं। तो यहाँ पर वही है कि आपने दुनियादारी देखकर बहुत कुछ सीख भी लिया, और अब आपको किसी पर भरोसा भी नहीं है, इसीलिए अब आप खुद के साथ समय बिताना चाहते हैं, खुद को अब अपना ऐसा है कि प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं, बहुत कर लिया दूसरों के लिए ऐसा अब आपको लगता है, कोई अपना नहीं होता, ये बात आप समझ रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप अपनी लाइफ में बहुत दर्द तकलीफ झेले हैं, आपकी लाइफ आसान नहीं रही है, और यहाँ पर आपने सब कुछ झेलकर भी सबको खुश रखने का प्रयास किया है, कभी किसी को दर्द नहीं दिया, हर किसी को खुश रखना चाहा है, और पूरी कोशिश आपकी रहती है कि आपसे किसी को भी मतलब हर्ट नहीं होना चाहिए, आपसे कहीं पर कोई गलती ना हो जिसकी वजह से, आपकी वजह से कोई इंसान दुखी हो, परेशान हो, आपकी कोशिश यही रही सबको खुश रखने की। लेकिन जब आपको खुशी देने की बात आई तो बदले में आपको क्या मिला, दर्द। और हर कोई इंसान वही है कि अपना मतलब निकाला है और आपका साथ छोड़कर गया है, ये आपके पर्सन ने ही नहीं किया, बहुत से लोग आपकी लाइफ में ऐसे रहे होंगे जिन्होंने मतलब ख़त्म होते ही आपका साथ छोड़ा है। जब आपको खुशी देने की बारी आई, आपका साथ देने की बारी आई, तो कोई भी साथ नहीं रहा है आपके, आप हमेशा अपनी तकलीफ में अकेले खड़े रहे हैं। तो इन सब को देखकर आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि टूट गए हैं, इसीलिए अब आप किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते, ना किसी के पीछे भागना चाहते, अब ना किसी को हासिल करना चाहते, ना किसी से कुछ कहना चाहते और ना किसी से कुछ बोलना चाहते। आप अकेले रहकर खुद के बारे में सोच रहे हैं, आगे की लाइफ को कैसे जीना है उसके बारे में सोचते हैं, और अब किसी से उम्मीद भी नहीं है आपको कि कोई आपका साथ देगा सुख में दुख में।
आपने समझ लिया है कि अकेले ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। जब साथ देने की बारी आती है तो लोग कभी भी साथ नहीं देते, साथ छोड़कर जाना पसंद करेंगे, लेकिन तकलीफ़ में साथ खड़े होना कोई भी पसंद नहीं करता, चाहे आप उनके लिए कितना भी कीजिए। तो इन सब चीज़ों को आप समझ पाए हैं आपके पर्सन के धोखे की वजह से, और इनके अलावा भी बहुत से भी लोग ऐसे रहे होंगे आपकी लाइफ में जिनकी वजह से आपको तकलीफ झेलनी पड़ी है। तो आप स्ट्रांग तो हुए ही हैं, अकेले जीना भी सीख रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा है कि अब किसी से उम्मीद नहीं रखनी, सबसे बड़ी बात इस चीज़ को आप समझ गए। आपके पर्सन का भी ऐसा है गाइस कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, इनको उम्मीद है कि ये रिश्ता सही हो सकता है, अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ बहुत कुछ बाकी है, ये सोच कर ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं अब इनकी एनर्जी में एक्शन दिखाई देता है, बहुत सारा प्यार आपके लिए यहाँ पर दिखाई देता है, इनका पूरा फोकस आप पर है और किसी तरह इस रिश्ते में ये वापस आना चाहते हैं। आप सब कुछ ऐसा है कि आपको लग रहा है कि ख़त्म हो गया, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा है रो भी रहे हैं, सब कुछ आपने ऊपर वाले पर छोड़ा, फिर भी वही है कि बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं खुद को, और रो भी रहे हैं, परेशान भी हैं, आगे की आपको चिंता सता रही है कि क्या होगा आगे आपकी लाइफ में। और यहाँ पर आपके पर्सन के साथ ऐसा चल रहा है कि उनका ध्यान आपकी तरफ है, वो उनको उम्मीद है कि इस रिश्ते में सब कुछ सही हो सकता है, अभी भी प्रयास करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है, यहाँ ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो इनकी एनर्जी में एक्शन दिखाई दे रहा है और इनके पास बहुत सारी बातें हैं गाइस आपको बताने के लिए। कुछ ऐसा है कि इनके साथ अच्छा हुआ है तो ये वो खुशी आपके साथ बांटना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इनके साथ क्या अच्छा हुआ है और इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस चीज़ को सोच सोच कर ये बहुत ज़्यादा खुश हैं कि ये आपसे मिलेंगे या जब भी आपसे बात होगी तो ये सारी बातें आपको बतानी है, जो खुशी इनको मिली है वो आपके साथ बांटना है। अब आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो सॉरी फील कर रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा है कि बस उनका भी यही है कि जल्द से जल्द आपसे बातचीत शुरू हो जाए, आपसे मिल लें, और आपको आपसे बहुत सारी बात करनी है, उनको इतने समय से आपसे कोई बातचीत नहीं हुई तो उनको भी सही नहीं लगता, उनका भी दिल नहीं लगता आपके बिना, तो बहुत सारी बातें आपसे करनी है ये सोच रहे हैं, और क्या क्या आपको बताना है वो सोच कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर। ओवरथिंकिंग तो बहुत समय तक चलती रही है आपके पर्सन की, कंफ्यूज भी रहे आपको लेकर, लेकिन अब फाइनली एक्शन दिखाई देता है, वो समझ गए कि बस आपकी ही तरफ बढ़ना है, आप ही उनके लिए ऐसा है कि सही इंसान हैं। और आपके दिमाग में क्या चल रहा है गाइस कि आओ तो ठीक, ना आओ तो ठीक, भाड़ में जाओ, हमको कोई अब लेना देना नहीं है, अब हमको तुम्हारे पीछे नहीं भागना है, यह सब आपके दिमाग में चल रहा है। आपको ये लग रहा है कि आपके बिना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनको आपकी क्या ज़रूरत, और वहाँ कुछ और ही चल रहा है, उनको आप ही की ज़रूरत महसूस हो रही है, वो आपके लिए खुश हो रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है तो बहुत कुछ आपसे बातें करनी है और इस रिश्ते को अब ठीक करना है, बस और कहीं नहीं जाना, सिर्फ आप ही की तरफ जाना है। तो यहाँ आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर। देखिए कोशिश आपने बहुत ज़्यादा की, हो सकता है एस्ट्रोलॉजर वगैरह से भी आप मिले हैं, इनके लिए बहुत आपने प्रयास किया है, ये इंसान आपको मिलेंगे या नहीं ये जानना चाहते रहे, इसलिए आपने इन सब में प्रयास किया। और यहाँ पर ये था कि जो जैसा बताता आपको आप वो उपाय करने लगते कि भाई ये इंसान किसी तरह से सुधर कर आपकी लाइफ में वापस तो आए, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब इन्हीं की वजह से ऐसा है कि आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई देता है, आप रो भी बहुत ज़्यादा रहे हैं और गुस्से में भी बहुत ज़्यादा हैं, इनकी हरकतों की वजह से, इन्होंने जो आपके साथ किया उसकी वजह से, आपके साथ जो कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से नाराज़गी आप में बहुत ज़्यादा है, और आप रोते भी उतना ही हैं, उतना ही गुस्सा भी कर रहे हैं, और वही आपको लगता है कि अगर आपको हम बता भी रहे हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर इनका एक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर भी अभी आप भरोसा करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है जो इतने समय से नहीं हुआ अब क्या होगा, लेकिन जो सच्चाई है वो तो आपको सुनना पड़ेगा, जो यहाँ पर दिखता है वो आपको बताना पड़ता है हमको भी, लेकिन यहाँ पर भरोसा अब आपको किसी पर नहीं है और आप बस सुनने को सुन रहे हैं रीडिंग पर, वही है कि आपको यही लगता है जो अब तक नहीं आया अब क्या आएगा, लेकिन वहाँ आपके पर्सन का हाल कुछ और ही है, वो आपकी तरह नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और बस यहाँ पर ऐसा है कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, कहीं ना कहीं से उनको ये समझ में आ गया है कि बस ये रिश्ता अब ठीक होने वाला है, सही समय आ चुका है और वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से वो खुश हैं, भले ही आपको सब कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है पर आपके पर्सन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि वो किसी पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेंगे, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने सोच लिया कि सब भाड़ में जाओ, उनको आपसे बात करनी है और इस रिश्ते को ठीक करना है। पहले ये दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते थे इसलिए भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन अब जब दूसरों के साथ रह लिए, सबका रवैया देख लिए, तो अब इनको समझ में आ गया कि भैया आपके साथ रहना ही ठीक है, बाकी के जो लोग हैं वो किसी काम के नहीं हैं,
तो अब इसीलिए वो किसी की नहीं सोच रहा है सिवाय आपके। और उनका अब यही है कि जो जिसको बोलना है बोलता रहे, उनको तो बस आपसे बात करनी है और अपने रिश्ते को बचाना है। तो समझ रहे हैं गाइस, तो यहाँ पर तो आपके पर्सन का एक्शन दिखाई दे रहा है, कॉल मैसेज ही आपको कर सकते हैं, और यहाँ पर वही है कि रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए और को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।